और फिरोजाबाद जिले में टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस एवं बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया गया है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इन गाड़ियों के टूंडला ठहराव से बनारस, काशी, गया धाम जाने वालों को आसानी होगी। इसका लाभ आगरा, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद के लोगों को भी मिलेगा। श्री बघेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के कारण 2024 में भी कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। यहाँ व्यापार मंडल का और जैन समाज के कई ज्ञापन हमेशा मिलते रहते थे। 8 भाषण मेरे पार्लियामेंट में है नीलांचल एक्सप्रेस को टूंडला में रोकने का। 12,876 में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री का कि टूंडला में 2 ट्रेनों का ठहराव किया है कि 12,876 नीलांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली से पूरी जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि इसमें एक ज्योतिर्लिंग बनारस कवर होगा, इसके बाद गया जी जहाँ पर पितरों का हम लोग तर्पण करते हैं और उसके बाद धाम है जगन्नाथपुरी वो जाया करेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज 2 गाड़ियों का ठहराव का उद्घाटन हुआ है माननीय राज्य मंत्री जी के करकमलों द्वारा और माननीय सांसद जादौन साहब द्वारा, और इसमें से एक है 2875 क्षेत्र नई दिल्ली पुरी, आनंद विहार से पुरी आती है नीलांचल एक्सप्रेस। ये गाड़ी यहाँ पे सवेरे लगभग 10:15 के आसपास मिलेगी यात्रियों को और पुरी की तरफ जाने के लिए, और वापस यहाँ पे शाम को आती है, शाम को लगभग 6 बजे 6:30 बजे के बीच।